अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम मम्मी किचन में आप सभी को वेलकम, खुशामदीद, इंशाल्लाह सब खैरियत। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बकरे के मटन का सालन। इसके लिए हमने ये देखिए, हमने आधा पौना किलो से थोड़ा ज़्यादा हमने बकरे का गोश्त लिया है, ये मटन। और इसमें हमने कांदा डाल दिया है काट के। अब इसमें हमने हल्दी नमक डाल के इसको उबलने के लिए रखना है। इसमें सीटी नहीं लगानी है, हमने तपेली में ही, हमने कढ़ाई में ही उबाल लेना है। आप चाहें तो आप सीटी लगा सकते हैं। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अब हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक हमने थोड़ा कम ही डालना है, सिर्फ गोश्त उबलने के हिसाब से डालना है। और अब इसके अंदर थोड़े से हम खड़े मसाले डालकर इसको उबलने के लिए रख देंगे ढककर। तकरीबन हमें पौना घंटा के लिए इसको उबालना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने ज़ीरा, शाहज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, लौंग, इलायची के अंदर का बीज और खसखस, फूल, जावित्री इसे कहा जाता है, ये सब हमने पीसने में लेना है। ये हमारे हरे मसाले हैं, हरी मिर्ची, कोतमीर, लहसुन और अदरक, कांदा। आप अपने हिसाब से हल्दी जायका जैसा चाहें आप ले सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रखिए मसालों का। और अब हमने इसमें अपने मसाले डाल के इसको रखेंगे गोश्त को उबलने के लिए। उसके बाद में हम ये मसाले, हरे मसालों को पीस कर ले लेंगे। और फिर हम आप देखिए फ्रेंड्स, मैं मसाला बघारने जा रही हूँ। इसके लिए मुझे 1.5 कप ऑयल, 1.5 चम्मच ऑयल लेना था, मेरे 1.5 चम्मच ऑयल लेना था। और इसके अंदर मैं तेल गरम होने के तक के इसको रख छोड़ूंगी। तेल गरम होने के बाद मैं इसमें कांदा और अखे मसाले थोड़े से और तेज़पत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग ये सब डालकर बघारा मारूंगी। बघारा मार रही हूँ और कांदा लाल होने तक लगता मैं उसको पकने दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अनियन हम लोग का लाल हो गया है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा कम मैंने डाला है, 1 चम्मच के आसपास है, बट 1 टीस्पून। अब मैं इसमें मसाला छोड़ूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलविदा का नमक डाल दिए। अब इसको हमने अच्छे से मिला लेंगे और इसको अब पकने देंगे। मसाले को अच्छे से भून के फिर आपको दिखाती हूँ। मसाला भून रहा है, थोड़ा और भून जाए। गोश्त हमारा उबल चुका है, ये देखिए हमारा गोश्त उबल के इधर रखा हुआ है, ये देखिए। और अब इधर हम भजिया बना रहे हैं, इधर हम पकौड़े बना रहे हैं और बेसन और सोवे और कांदे के। और ये हमारा मसाला भून रहा है गोश्त के लिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मसाला भून गया है। देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, ये देखिए। यदि कच्चा था तो कैसा था, अलग कैसा हो गया। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से भून लेना है। और भूनने के बाद अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा गोश्त कैसे उबल गया है, ये देखिए, ये देखिए माशाल्लाह अच्छा उबल गया मेरा गोश्त। अब मैं इसको अलग से उबाल ली, इसको मसाला अच्छे से भून ली। अब मैं इसको इसमें शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल अच्छे से मैंने इसमें शामिल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये हम हरे मसाले में बना रहे हैं। बिल्कुल हमने लाल मिर्ची का, कुटी हुई लाल मिर्ची या किसी भी चीज़ का हमने इसमें नहीं इस्तेमाल किया है। इसे हम बिल्कुल हरे मसाले में अपने देसी तरीके से हम बना रहे हैं। और अब इसको हम थोड़ी देर स्लो आंच पर, स्लो फ्लेम पे इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा मसाला और गोश्त भीन जाए, हल्का सा हम इसमें इसको भूनने के बाद में थोड़ा सा गोश्त और मसाला, उसके बाद हम इसमें पानी मिलाएंगे। फिर अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाइए, अगर आपको रूखा खाना है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको भूनकर बस रहने दीजिए। इट्स योर चॉइस, बट मैं हम ग्रेवी के साथ खाएंगे, हम ग्रेवी लगाएंगे इसमें, क्योंकि हम पराठे के साथ खाना है तो हम ग्रेवी बनाएंगे। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा भून के, इसको हम थोड़ा सा अच्छे तरीके से भून लेते हैं पहले, और भूनने के बाद फिर इसको हम पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, हम इसमें पानी शामिल कर रहे हैं, हमारा ये भून के हो गया है और अब इसके अंदर हम पानी शामिल कर रहे हैं। थोड़ा ग्रेवी बनाना है हमें इसको, इसके लिए मैंने जैसा कि आपको कहा, आपको ग्रेवी वाला खाना है तो आप पानी शामिल करिए, वरना थोड़ा सा पानी डालकर आप इसको थोड़ा सा भूनकर बस आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। माशाल्लाह ये बहुत टेस्टी रेसिपी है, ये मेरी अम्मी की रेसिपी है और हमने बचपन से ये सीखा है। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। हमने इसमें थोड़ा सा पानी और मिला देना है, और अब हम इसी तरह से इसको हम खोलने के लिए देंगे। जब ये खोल जाएगा फिर इसको अभी हम फास्ट फ्लेम करके इसको हम खोलने के लिए देंगे। जब ये खोल जाएगा फिर हम इसमें कोथमीर छिड़केंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमारी सालन देखिए खोल रहा है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अभी इसको ये देखिए, तरी भी कितना अच्छा आ जाए इसका, यही कंसिस्टेंसी देखिए इसकी, माशाल्लाह। बस इतना गाढ़ा बस होता है, थोड़ा सा अभी से और खोलने दे दीजिए। और अब इसके अंदर कोथमीर छिड़क रहे हैं, इसमें कोथमीर छिड़क देना है अच्छे ज़्यादा सारा। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए खोलने देंगे और फिर इसे हम बंद कर देंगे। देखिए कितना अच्छे से खोल रहा है हमारा ये, बस अब इसको हमने ढाँक दिया। ये मैंने काजू बादाम और पिस्ता और केसर का थोड़ा सा, ये देखिए आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा होगा केसर, ये मैंने केसर का थोड़ा सा पेस्ट बनाया है, मैं इसमें लगाऊंगी। हम बनाने जा रहे हैं शाही पराठा, ये हम शाही पराठा बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, ये शाही पराठे की रेसिपी है। देखिए मैंने इसके अंदर 2 कप मैदा डाला था, आधा चम्मच नमक डाला है, थोड़ा सा अजवाइन डाला है, यानी पाव हिस्सा, 1 टेबल स्पून में पाव हिस्सा मैंने अजवाइन डाला है, और मैंने घी डाला है। ये देखिए घी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। थोड़ी सी मैं इसके अंदर दही ऐड कर दूँगी कि हमारा ये थोड़ा सॉफ्ट बने। ये देखिए ये मैंने दही डाल दिया है, ये 2 चम्मच तक के बस। अब फ्रेंड मैं इसको पानी से गूंद लूँगी, नॉर्मल पानी से। देखिए फ्रेंड्स हम रखेंगे 1 घंटा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा हो गया है सेट, और अब इसको देखिए हमने इसको चेक कर लेना है। ये देखिए कितना अच्छे से हमारा आटा गून गया है, सेट हो चुका है, माशाल्लाह एकदम सॉफ्ट और मुलायम है। ये देखिए अब इसके अंदर चलिए हम पेड़े निकालेंगे। ये देखिए हमने पेड़े निकाल लिया, अब इसको हम लोइया करेंगे, गोल करके इसकी हम रोटी बेलेंगे।
फिर इसके हम पराठे बनाएंगे। अब इसको हमने गोल गोल कर लेना है। अब सूखा आटा लगा लिया हमने, सूखा आटा लगा लिया और अब थोड़ा सा आटा फैला लेना है। इसको हमने फैला लेना है अच्छी तरीके से बस। और अब इसको हमने बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लगाते चाहिए। देखिए अब हमने बेल लेना है इसे अच्छे से। इसको अच्छे से रोटी बना के, रोटी की तरह अच्छा बेल के, ये देखिए रोटी की तरह इसमें अच्छा सा बेल लेना है। बेलने के बाद में माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब ये हमारा रोटी बेल गया। अब इसके अंदर हमने जो केसर हमने बना के रखा है वो उसका पेस्ट अब डालेंगे, काजू बादाम और पिस्ता और केसर का। ये देखिए इतना गाढ़ा है, बस ऐसे ही हमने डाल देना है। और अब इसको हम हाथों की मदद से फैला लेंगे। इसको ब्रश से नहीं करें क्योंकि इसमें काजू बादाम सब है, और इसको हाथों की मदद से हम फैला रहे हैं। और अब इसको हम फोल्ड करेंगे अच्छे से लगाकर, फैलाकर अच्छे तरीके से। अब इसको हमने फोल्ड कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह, बस इसे ज़रा थोड़ा थोड़ा सा ये लगा देना है और अब फोल्ड करना। बहुत ज़्यादा ये लिक्विड नहीं लगाना है अपने एहतियात से। और अब बस, और अब इसको हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर हम इसको फैला रोटी बेल लेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस इसी तरह से हमको इसको बेलते जाना है पराठे की शेप में। इसको बस पराठा इसको इसी तरह बनाते चले जाना है सब पराठे। देखिए फिर माशाल्लाह कितना अच्छा पराठा बेल के जा रहा है हमारा। ये देखिए हो गया हमारा पराठा। अब चलिए इसको हम, हो गया है अब इसे हमने सेक लेना है। ये देखिए हमने इसको सेक लेना है और अब आराम आराम से, बिल्कुल मुश्किल नहीं है फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत इजी है। और खाने में भी आपको इंशाल्लाह बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि ये पराठा इजी भी था और अच्छा भी है। देखिए अब और हमने रोटी बेल लेना है और सबको इसी तरह से हमने बना लेना है जिस तरह से हमने बना रहे हैं। ये ज़रा हमने सब रोटी बना लेनी है, सबके पराठे ज़रा हम बना लेंगे सूखे आटे लगा कर। ये देखिए फ्रेंड, देखिए अब जो घी लगा लिया हमने, ये होममेड घी है जो मैंने घर में बनाया था, आपको दिखाया है इसके रेसिपी, आपको मैंने इसके वीडियो भेजा था। ये होममेड घी का, ये देखिए हमारा पूरी कितना अच्छा फूल गया माशाल्लाह। अब फ्रेंड देखिए ऐसा अल्टी पल्टी करके हम इसको कंटिन्यू चलाते जाएंगे ताकि पूरी लगे ना। ये देखिए ये कोई नॉन स्टिक पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह। क्या आप कैसे भी तवे बना सकते हैं इसे। देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से देखिए बन गया हमारा पराठा। ये देखिए ये भी हम बना रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये शाही शाही पराठा है ये माशाल्लाह। ये देखिए इसी तरह चलाते हुए इसको भी हमने सेक लेना है माशाल्लाह।
देखिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। अब हमने इसी तरीके से और भी सारे पराठे बना लेने हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, माशाल्लाह। देखिए फ्रेंड्स, मेरे शाही पराठे तैयार हो गए, माशाल्लाह कितने खूबसूरत है। तो ये है बकरे का सालन, मटन का बकरे के सालन, और ये है वाइट सेवई। देखिए अगर आप सबको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, मेरी हौसला अफजाई करना मत भूलना। चलिए चलती हूँ, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।